नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण बयान अब कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जिस तरह से इस मामले पर कांग्रेस की भद पिट रही है, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि कई मुद्दों पर कांग्रेस को एक दो विपक्षी दलों का सहयोग मिल ही जाता था, लेकिन चीन के मुद्दे पर कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ गई है। या यूं कहें कि सोनिया, प्रियंका और राहुल अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कुछ अच्छे नेता है वो भी राहुल के चीन पर दिए गए मूर्खतापूर्ण बयानों से सहमत नहीं है। पहले ही पार्टी के युवा नेता मिलिंद देवड़ा राहुल के बयानों को कीचड़बाजी बता चुके हैं और पार्टी को इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दे चुके हैं। वहीं कई और नेताओं ने भी CWC की मीटिंग में राहुल को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करने की सलाह दी थी, लेकिन राहुल तब मीटिंग में उन नेताओं पर नाराज हो गए थे और कहा था कि मैं मोदी से नहीं डरता, मैं उनसे सवाल पूछता रहूंगा। दरअसल राहुल के चीन पर रोज सुबह उठकर किए जाने वाले आत्मघाती ट्वीट्स के बाद कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस भक्ति में वे भी मजबूर राहुल के पीछे चल रहे हैं और उनको मरे मन से ही सही डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि कुछ अभी मुखर होकर सामने भी आ रहे हैं, जैसे मिलिंद देवड़ा, और आने वाले दिनों में ये सूची लंबी हो सकती है। लेकिन भले ही कांग्रेसियों की मजबूरी हो कि उन्हें राहुल और सोनिया के पीछे हां में हां मिलानी हो, लेकिन विपक्ष के बाकी दलों और कांग्रेस के सहयोगियों की मजबूरी नहीं है, इसलिए वे अब खुलकर राहुल की आलोचना भी कर रहे हैं और उन्हें लताड़ भी रहे हैं। पहले शरद पवार ने ऑल पार्टी मीटिंग में सोनिया के सामने राहुल के फिजूल बयानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें नसीहत दी थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं सुधरे, तो उन्होंने फिर बयान देकर राहुल को लताड़ लगाई थी और ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। शरद पवार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP नेता मायावती ने भी राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। मायावती ने राहुल के साथ ही बहन प्रियंका को भी दो टूक जवाब दिया है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि चीन के मुद्दे पर हम भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं, आपसी विवाद से चीन को फायदा मिलेगा, बसपा की अलग विचारधारा है, हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं है, मिलकर सरकार बनाना या चुनाव लड़ना अलग बात है, बसपा का उदय कांग्रेस के चलते हुआ है। दरअसल मायावती ने पलटवार प्रियंका गांधी के उस बयान पर किया है जिसमें उन्होंने बसपा को BJP सरकार की प्रवक्ता बताया था। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चीन मामले पर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा था, चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए, चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए, सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। हैरान करने वाली बात यह है कि हर मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने वाली ममता बनर्जी भी चीन मामले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि TMC संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़ी है। इनके अलावा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, मेघालय के CM संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बयान जारी कर केंद्र और PM मोदी का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि सभी दल सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर अब कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ते दिख रही है। हालांकि लगता है कि उसे भी अब उसकी गलती समझ आ रही है और वो चीन के मुद्दे से हटकर महंगाई के मुद्दे पर खुद को ट्रांसफर कर रही है। लेकिन वो कुछ भी, राहुल ने इस मामले में जितनी भद पिटानी थी उतनी पिटा ली है और अपनी पार्टी और गांधी परिवार की छीछालेदर करा ली है। राहुल के मूर्खतापूर्ण बयानों का नतीजा ही है कि राहुल गांधी फाउंडेशन का मामला सुर्खियों में आया है और इस मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर है। उसके प्रवक्ताओं को इस मसले पर अब जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये रही कांग्रेस के अलग थलग पड़ने की स्टोरी कि अब विपक्षी दलों में शरद पवार के बाद मायावती भी खुलकर
मोदी सरकार के साथ आ चुकी है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।